अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई ख़बर के साथ आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हूँ। ये बहुत अच्छी खबर है जो मैं आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये खबर हमारे फंसे हुए सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन जो उम्रा करने के लिए मक्का में गए थे उनके लिए खबर है। आप सब दोस्तों को पता है कि सऊदी अरब ने 72 घंटे की मोहलत दी थी जो आज इतवार को ख़त्म हो गई है। दोस्तों, इसके बावजूद सऊदी अरब ने हमारे पाकिस्तानियों जो उम्रे पर गए हैं उनको 2 दिन की मोहलत दे दी है। जी हाँ दोस्तों, मैक्स चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, एक आज की बेहतरीन खबर आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, अगर सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, उस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज की खबर के साथ। दोस्तों, ताज़ा तरीन खबर यह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 18 मार्च तक फ्लैट ऑपरेशन जारी रखने की खसूसी इजाज़त दे दी है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है। मीडिया के मुताबिक PIA के खाली जहाज सऊदी अरब जाएंगे और पाकिस्तानियों को वापस लाएंगे। और दोस्तों, इससे काबिल पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान चलने वाली कई परवाज़ें अचानक मसनूख कर दी गई थी। और दोस्तों, अब इन परवाज़ों को खसूसी तौर पर चलाया जाएगा और जहाज़ों में जरासीम कुश औदियात के इस्तेमाल से इन्हें जरासीमों से पाक किया जाएगा। और दोस्तों, फिर खाली जहाज सऊदी अरब जाएंगे और वहाँ फंसे हुए हमारे भाई और बहनों और माओं को वापस लाएंगे। PIA के जहाज़ों को मदीना और जिद्दा के एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त होगी। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है कि सऊदी अरब ने इजाज़त दे दी कि हमारे फंसे हुए वहाँ पाकिस्तानी जो उम्रा ज़ायरीन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा ज़ायरीन के लिए खबर आई है। ये सिर्फ उम्रा ज़ायरीन को वापस लाएंगे। ये जो दो जहाज़ चलेंगे, एक जिद्दे में चलेगा और एक मदीने में चलेगा। दोस्तों, ये थी ताज़ा तरीन खबर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करें और नीचे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हर दोस्तों को ये खबर मिलनी चाहिए।